জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হ'বলগা অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 188 কোটি টকাৰ বটদ্ৰৱা উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু লোকনিৰ্মাণ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিনৰ 12 বজাত ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত হোৱা ভূমিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল গণসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা মহাজোঁটবন্ধনক সমালোচনা কৰে। ৰাজহুৱা সভা সামৰি পোনে পোনে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ সত্ৰত প্ৰৱেশ কৰি গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লয়। ইয়াৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানত সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে। जिस स्थान से गुरु शंकरदेव ने नव वैष्णव संप्रदाय को, श्रीमद् भागवत को और भक्ति के आंदोलन को पूरे पूर्वोत्तर में फैलाया, उसी स्थान पर आज नामगढ़ के अंदर उनके आशीर्वाद लेने का मौका है। मैं इस मौके पर आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद जी और भाजपा के नेता और हमारे वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कई सालों से प्रतीक्षित काम उन्होंने पूर्ण किया, ये नितांत जरूरी था कि आसाम की युवा पीढ़ी को गुरु शंकरदेव का संदेश, उनका भक्ति आंदोलन, भागवत धर्म का प्रचार और नव वैष्णव संप्रदाय का आत्मसात करने का मौका मिला। वो तभी हो सकता था जब उनके स्थान को युगों युगों तक लोग याद करें ऐसे स्मारक में परिवर्तित किया गया और असम सरकार ने 180 करोड़ की लागत से इस स्थान को न केवल चिरस्मरणीय स्मारक में बदलने का काम की शुरुआत की है, बल्कि मुझे श्रद्धा है कि ये स्थान विश्व भर के, देश भर के धर्म प्रेमी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहीं से श्रीमद् शंकरदेव का विचार, उनका संदेश, उनका भक्ति आंदोलन, उनकी कीर्तन संरचना, ये एक नई ऊर्जा के साथ न केवल आसाम और पूर्वोत्तर, पूरे देश भर के अंदर चले। इसके साथ ही असम सरकार ने नामगढ़ों के पुनरोद्धार के लिए 50 साल से पुराने सभी नामगढ़ों को 2.5 लाख रुपया देकर ये संस्कृति, ये परंपरा, ये भक्ति आंदोलन, उसको नव जीवन बख्शने का काम किया है। मैं मानता हूं कि गुरु शंकरदेव का विचार ही, उनका संदेश ही आसाम के आध्यात्मिक विकास की नींव हो सकता है। गुरु शंकरदेव का संदेश ही आसाम एक भारत का अटूट हिस्सा है, ये भावना को आसाम के अंदर प्रबल बना सकता है। और गुरु शंकरदेव का संदेश ही आज के युवाओं को फिर से एक बार हमारी संस्कृति की ओर मोड़ने का एक राजमार्ग हो सकता है। और इसलिए आसाम सरकार ने ये जो कार्य किया है, इसको मैं सराहता भी हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और हमारे दोनों नेता हेमंत विश्व शर्मा और सर्वानंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने वर्षों से प्रतीक्षित काम को आज अंजाम देने की शुरुआत की है और यहाँ से ये संदेश पूरे विश्व में जाए, अनेकों अनेक लाखों करोड़ों जीवात्माओं का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यही गुरु शंकरदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना है, यही उनके सामने मेरी अभ्यर्थना। ठिंगर पर इजामुद्दीन आहमेदर रिपोर्ट, आवर्ली टाइम्स।